श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढ बता देते हैं, देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको। और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है। और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं, ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर, ये सारी बातें पिछले दो दशक से लगातार चल रही है, हर फॉरम में चली, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया, ये ठीक है, फुटस्टूप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है, आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी, रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है, एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं।